उसमें शऊर आया है उनकी अवाम में। शऊर आएगा जब तक हमारे जैसे लोग इस तरह का काम करेंगे, दोनों मुल्कों के दरमियान पीस का काम करेंगे, तो आपको नहीं लगता मोहब्बत पैदा होगी? होगी, देखिए अवाम में शऊर आया, 40% तक आ गया, आगे भी आ जाएगा बेहतरी है। जो बड़ी उम्र है ना 30-40 से ऊपर वाले, उनके दिमाग अभी पुराने जमाने पे, जो लेके जो बेसिकली जो यंग जनरेशन है ना वो काफ़ी हद तक बेहतर है। क्या इस तरह की चीज़ें हमारी मीडिया शो करता नहीं वहाँ पर? ये देखे ना अभी मस्जिद को एक आंग, हमारी मीडिया वन साइडेड है, ठीक है ना, वो ये नहीं कि पूरी कौम के लिए बात करें, वो मीडिया नंबर वन होनी चाहिए। मीडिया को चाहिए कि अवाम की आवाज़ सुने, वो हमेशा उनके नेगेटिव रोल्स दिखाते हैं कि आज हिंदुओं ने, आज मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, हिंदुओं ने मुसलमानों को। जी जी बिल्कुल, फिल्म्स बनाते हैं तो उसमें भी यही नेगेटिविटी ही दिखाते हैं, पॉजिटिविटी की कोई चीज़ नहीं दिखाते, ऐसे ही करते हैं। चले पीस तो दिखाना चाहिए कम से कम, मैसेज तो अच्छा दो यार, जिसकी वजह से आगे बड़ी नफरतें चल रही हैं, आगे बड़े हमारे बीच में कॉन्ट्रोवर्सियल चीज़ें चल रही हैं। जो चीज़ें दिया मैं, आपने कभी न्यूज़ देखी कि वहाँ पर पॉजिटिव काम भी किया कोई मुसलमानों के रिलेटेड, मुसलमानों के साथ हिंदुओं ने मिलकर कोई पॉजिटिव काम किया, दिखी थी इस तरह की पीढ़ी पहले कभी? नहीं, लेकिन जो अवाम है ना काफ़ी हद तक उसमें शऊर आया है उनकी अवाम में। शऊर आएगा जब तक हमारे जैसे लोग इस तरह का काम करेंगे, दोनों मुल्कों के दरमियान पीस का काम करेंगे, तो आपको नहीं लगता मोहब्बत पैदा होगी? होगी, देखिए अवाम में शऊर आया, 40% तक आ गया, आगे भी आ जाएगा बेहतरी है। जो बड़ी उम्र है ना 30-40 से ऊपर वाले, उनके दिमाग अभी पुराने ज़माने पे, जो लेके जो बेसिकली जो यंग जनरेशन है ना वो काफ़ी हद तक बेहतर है वो मैं हाँ। लेकिन जो आल गने काम है मीडिया, उनके पॉलिटिशियंस और हमारा भी यही हिसाब है, हमें आप अपने आप को सही नहीं कह सकते क्योंकि हमारे भी अपर लेवल पर यही सब कुछ है। क्या आपने कभी इस तरह की वीडियो देखी थी जो पीस के लिए काम करे, जो पॉजिटिविटी के लिए काम करे? नहीं, मैंने नहीं देखी। नहीं ना देखी, नहीं, नहीं। तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? हम भी तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों को पसंद करते हैं, तो शायद इसीलिए मीडिया हमें दिखाता। जी बिल्कुल, है ना जी बिल्कुल, मैं भी अपने सोचों को बदलने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बदलने की। जब इंडिया की बात आती तो यहाँ पर हजार लोग खड़े हो जाएंगे मुर्दाबाद के, एक बंदा भी यहाँ पर कहेगा कि भाई दोस्ती करनी, हमारा पड़ोसी मुल्क का दोस्त है, तो उसके खिलाफ हो जाएंगे सारे बंदे के भाई तुम इंडिया के साथ कैसे पीस की बात कर सकते हो। वहाँ पर हमें नफरत इतनी दिखाई गई है हमारी मीडिया के थ्रू कि मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है यार, कहीं लड़ाइयाँ कहीं नहीं होती। हमारे यहाँ पर भी तो जड़ावाला का वाकया हुआ था ना, इस तरह की वाकया तो हो जाते हैं। जड़ावाला को हुआ, ये यूनाबाद में हुआ, हालांकि हमसे ज़्यादा हमारी जितनी आबादी है पाकिस्तान की, वहाँ ज़्यादा मुसलमान रहते हैं इंडिया में, इंडिया में मेरा ख्याल है कि 35 करोड़ के करीब, करोड़ के हमारी 22 करोड़ 24 करोड़ मुसलमान है यहाँ पे, वो भी ईसाई भी हैं, दूसरे मजहब के भी हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा मुसलमान है। कई रियासतों में होता है छोटा मोटा वाक्य हो जाता है, उसको अंदर भी हो जाता है। हाँ जी, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करती है हमारी मीडिया। आप मुझे बताएं घर के अंदर 4-5 भाई बहन इकट्ठे रहे तो उनके साथ आपस में नहीं बैठ? बिल्कुल होती है, मुल्क की बात है यार, उधर भी हो जाती होगी। एक मजहब अलग अलग सोच के लोग, एक हिंदू दूसरा मुस्लिम, एक सिख दूसरा ईसाई, तो आपस में कहीं ना कहीं बात होगी, तो मीडिया ने इतना उठाना कि दिलों में नफरतें पैदा हो जानी, इधर से लोग गालियां देना, उधर से लोग गालियां देना कि भाई जंग हो जाए, मार देंगे, धार देंगे, ये चीज़ें क्या पीस क्रिएट कर सकती हैं? भाई मीडिया को जो रोल दिया जाता है वो निभा रही होती है, वो पीछे से जो उनको कहा जाता है ना आपने ये करना है ये बोलना है वही हो रहा है आजकल, तो मीडिया यही कर रही है, आगे आप समझदार हैं। बिल्कुल सही होगा। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों के बारे में, क्या बात करेंगे फाइनल में, कोई मैसेज दे दें? फाइनल में मैसेज तो यही है कि हर बंदा अपने सवाल का जवाब दे, हर बंदा अपने आप को ठीक कर ले, ऑटोमेटिक आपको सारे ठीक लगने लग जाएंगे। जब अपने आप को आप गलत करेंगे ना तो आपको खुद गलत है ना आपको सारे गलत नजर आएंगे। जितना मीडिया दिखाता है इंडिया इतना बुरा है, मैंने आपको फिर बात की है कि अवाम जो है ना वहाँ की बेहतर है, उनको क्या है हमसे, वो तो तरक्की कर गए। हाँ, अब आपको ये पता है कि हायर लेवल पे गेम है ये, ना आप कह सकते ना ही मैं कह सकता, तो बस वो गेम है, हम सब समझदार हैं समझे, तो शोर आ गया पाकिस्तानियों को, अब समझ गए कि भाई हायर लेवल की गेम है, इनको ये पता है कि भाई ये कौन करवा रहे हैं, बस सवाल पूछना शुरू कर दिया उन्होंने कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये क्यों किस लिए हो रहा है, ये हमें नेगेटिविटी क्यों दिखाई जा रही है। गाइस हमारी तरह के चंद एक लोग 2-4 मजीद पैदा हो गए जो पॉजिटिविटी के लिए काम करें, जो पीस के लिए काम करें, तो ये नफरतें ख़त्म हो जाएंगी। मीडिया का जोर ज़्यादा नहीं चलेगा, पॉलिटिशियंस का जोर भी ज़्यादा नहीं चलेगा, जब तक आवाम के पास जाकर एक को एजुकेट किया जाएगा कि नहीं भाई नफरतों का टाइम नहीं, अब IT का टाइम है, नफरतों का टाइम नहीं, अब ChatGPT का टाइम है कि ChatGPT सीखो, अपने आप को रेनोवेट करो, एजुकेशन हासिल करो, नफरतों को ख़त्म करो। जब तक हम ये कंपेन चलाएंगे, जब तक हम ये काम करेंगे, तब तक नफरतें ख़त्म हो जाएंगी, टाइम लगेगा लेकिन ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। इसी के साथ मुझे तो इजाज़त मिलते हैं सेम इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं आप सुनाई, मैं भी ठीक। नाम आपका? शहजाद अहमद। कौन सी क्लास में पढ़ते हो, स्टूडेंट लग रहे हो? मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? अभी शुरू किया, फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा। फर्स्ट सेमेस्टर, क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जबरदस्त यार, इंजीनियर बंदा मिल गया हमें।
बात करने का पर्पस ये है कि क्या लगता है दोनों मुल्कों के दरमियान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में हमारे दरमियान पीस ना कायम होने के पीछे क्या वजूहत लगती हैं आपको? देखिए बेशुमार वजूहत हैं, एक जो सबसे बड़ी वजह मालूम होती है ना वो मज़हब की है। मुसलमान और हिंदू ये एक दूसरे से वैसे ही फितरी नफरत रखते हैं, तो और भी बेशुमार इख्तलाफात होते हैं जिनकी बुनियाद पर इकट्ठे रहना ये तकरीबन नामुमकिन है इनका। इसके बीच में आग लगाने का काम कौन सी चीज़ करती है, मीडिया? जी जी बिल्कुल, मीडिया या फिर पॉलिटिशियन? दोनों मीडिया और पॉलिटिशियन दोनों ही। क्या मीडिया और पॉलिटिशियंस पॉजिटिविटी दिखाते हैं कि इंडिया के माज में मुसलमानों के साथ ये कर दिया, हिंदुओं ने इतनी पॉजिटिव काम किया, ये कोई बताता है? नहीं ऐसा नहीं होता, गलत काम दिखाते हैं। हालांकि इंडिया बाज का मुसलमानों के वो काम दिखाता है जो मुसलमानों ने नहीं किए होते, लेकिन वो नेगेटिव करके दिखाता है, इस तरीके से मुसलमान भी वैसे करते हैं। तो दोनों एक दूसरे वैसे गलत काम करते भी हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिविटी को भी गलत नेगेटिविटी भी बना के बयान करते हैं। आज क्या मैसेज दोगे आप? आपको ना एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा, आप सारे आना यार आगे, वो वीडियो देखना। देखने के बाद अभी ने आपने हल्फियन बात करनी है, क्या इस तरह की वीडियो आपको कभी किसी ने, किसी चैनल वाले ने, किसी यूट्यूबर ने पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए ये काम किया या नहीं किया? ये उदयपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक ताजिए में आग लग गई, हालांकि वहाँ मौजूद हिंदू समुदाय के लोगों ने तुरंत उसे बुझा दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस घटना का जो मस्जिद को आग लग रही थी, ताजिए का गुंबद आग की लपटों में गिरता दिखा, ऊपर से सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच जैसे ही ताजिए में आग लगी लोग खौफ में आ गए। हालांकि आग लगते ही वहां छतों पर मौजूद लोगों ने उसे देख लिया, जिसके बाद ताजिए पर पानी की बौछार की गई और समय रहते आग को बुझा लिया गया। क्या कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं दिखाते, हमेशा नेगेटिविटी ही दिखाते हैं। आपने देखी इस तरह की वीडियो, कभी किसी ने दिखाई पॉजिटिव? नहीं, कभी किसी ने दिखाई। असल में हमारा मीडिया भी यही काम करता है और उनका मीडिया भी यही काम करता है। मेन जो रीज़न है दोनों के दरमियान नफरत का, वो जो मेरी समझ में आता है वो पॉलिटिशियंस और मीडिया ही हैं, गलत चीज़। ज़्यादा क्या चीज़ें दिखाते हैं, क्या चीज़ें दिखाते हैं जिसकी वजह से देखने के बाद नफरत पैदा होती है कि भाई हिंदू तो है ही बुरे, इंडियंस तो है ही बुरे, क्या चीज़ें दिखाते हैं? वो हमेशा उनके नेगेटिव रोल्स दिखाते हैं कि आज हिंदुओं ने, आज मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, हिंदुओं ने मुसलमानों को। जी जी बिल्कुल, फिल्म बनाते हैं तो उसमें भी यही नेगेटिविटी ही दिखाते हैं, पॉजिटिविटी की कोई चीज़ नहीं दिखाते, ऐसे ही करते हैं। चले पीस तो दिखाना चाहिए कम से कम, मैसेज तो अच्छा दो यार, जिसकी वजह से आगे बड़ी नफरतें चल रही हैं, आगे बड़े हमारे बीच में कॉन्ट्रोवर्सियल चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें दिखाओगे तो पीस तो क्रिएट होगा। जी जी बिल्कुल, देखना आप, दुनिया ये एक ज़मीन है और एक ही जगह रहने की जगह है, हमने यहीं पर रहना है, कोई इसका मुतबादल नहीं है। तो हमें चाहिए कि ज़रा ना नफरतें ख़त्म करके और ज़रा अमन के साथ रहें। अमन है हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो दीन है, वो हमें अमन का दर्श देता है। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि पॉजिटिविटी फैलाएं, अमन से रहें। अगर हम नफरतें पैदा करेंगे, जंगे करेंगे, तो उसमें हमारा ही नुकसान है, इसमें फ़ायदा किसी का भी नहीं है। अच्छा, अभी तक हम हिस्ट्री को थोड़ा सा देख लेते हैं, आईटी की थोड़ी बात कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी की थोड़ी बात कर लेते हैं। आज डेवलपमेंट की तरफ कौन सा कंट्री ज़्यादा जा रहा है? वैसे इंडिया ज़्यादा जा रहा है। बिल्कुल, इंडिया ज़्यादा जा रहा है, इंडिया ज़्यादा जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा हमसे आ गया है। क्या ऐसी चीज़ें हैं उनके एजुकेशन सिस्टम में जो कि आप अडॉप्ट करना चाहोगे, पाकिस्तान के अंदर लाना चाहोगे उनके एजुकेशन सिस्टम से? उनके एजुकेशन सिस्टम में अगर आप प्राइमरी लेवल पर देखें, बच्चों को टैब्स पे पढ़ाते हैं, बच्चों के और बुक्स नहीं होती बच्चों के पास, और बच्चों को वही चीज़ें पढ़ाते हैं जो वो गेन कर सकते हैं। हमारा तो यही है कि बैग भरे होते हैं, बैग्स का वेट ज़्यादा होता है बच्चों के वेट से, हमारा ये सिस्टम है। और दूसरा ये कि हमारे देहात में भी बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं खुद जो है वो सरगोधा में हूँ, सरगोधा से पढ़ा हूँ, लेकिन मैं खुद जो है मेरा अपना शहर इतना डेवलप नहीं है, मैं वहाँ से ही पढ़ा हूँ। हमें यहाँ पे आके, अब लाहौर में आके, हमें खुद ज़्यादा बहुत मुश्किल होती है आगे ये जो कंसेप्ट देते हैं इनको गेन करने में बहुत मुश्किल होती है, अभी समझ में नहीं आती। अभी मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ यूईटी से, और हमें अभी बहुत मुश्किल हो रही है, फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा भी, अभी बहुत मुश्किल हो रही है शुरू में। इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये चीज़ें नहीं है? उस होंगी, ज़रूर होंगी चीज़ें, लेकिन उनका फिर भी अगर आप कंपैरिजन में देखें तो उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत है, उनका मेडिकल सिस्टम हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। MBBS जो हमारे, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा आगे है हमसे। बिल्कुल, आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे एजुकेशन सिस्टम में, उनके एजुकेशन सिस्टम से कोई चीज़ अडॉप्ट करके पाकिस्तान लानी हो तो क्या चीज़ लाएंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम अपने जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं ना, इनको बेहतर करना चाहेंगे। हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, बिलखसूस जो हाई स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, बच्चे की टोटली बेस को ख़राब यही कर रहे हैं। वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल्स नहीं करवाए जाते। अगर कुछ पढ़ाया जाता है तो सिर्फ बुक से रटा लगवाया रहता है, कोई प्रैक्टिकल्स नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं, तो इस वजह से बेस ख़राब हो रहती है सारी, जिसकी वजह से फिर हमें प्राइवेट की तरफ रुजू करना पड़ता है। कई लोग इससे तंग आके फिर वो फीस से भी तंग होकर प्राइवेट की तरफ रुजू करते हैं, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट से तालीम नहीं मिलती।
क्या कहेंगे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? SST की किताब में, सोशल स्टडी की किताब में आपने पढ़े, पढ़कर आए हो ना, पंजाब टैक्स बोर्ड पढ़ा ना आपने जी, तो वहाँ पर क्या ऐसी चीज़ें जो हमारे टीचर्स इंडिया के बारे में क्या पढ़ाते हैं, आप क्या जानते हो, क्या बताना चाहोगे, क्या पॉजिटिव पढ़ाते हैं या नेगेटिव पढ़ाते हैं? देखिए, ज़्यादातर तो मुतालिया पाकिस्तान में झूठ या तो सच पढ़ाया रहता है, वो पूरा सच नहीं होता, बात को पॉलिश करके अपनी तरह से कुछ ऐड करके कुछ कट जैसे के जैसे के जैसे के थोड़ा सा मिसाल देगा। मिसाल ये कि जो हमसे बांग्लादेश अलहदा हुआ था, तो वो अलहदा होने की वजह हमें तकरीबन इतने सालों बाद इस साल हमें बताई है, उससे पहले जितने हाँ जी उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स गुजरे हैं ना, वो इस खबर से अनजान रहे हैं। और हम पढ़ते भी आधी इन्फॉर्मेशन है, आधे क्लास मैट्रिक के बाद कोई पढ़ता ही नहीं है। मैट्रिक के किताब के अंदर सोशल स्टडी के अंदर पढ़ाया जो गया है कि हिंदू जा रहा ना दुश्मन, सिख जा रहा ना दुश्मन, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन, ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो बच्चे के दिमाग के अंदर नफरत ही पैदा होगी ना। हालांकि वो नहीं पढ़ाते, वो अपनी फिफ्थ क्लास के बच्चे को स्पेस की एजुकेशन देते हैं कि भाई चांद पर रॉकेट ऐसे जाता है, रॉकेट को ऐसे, रोवर को ऐसे लैंड करवाया जाता है, यहाँ से ऐसे भेजा जाता है शटल को, वो ये चीज़ें पढ़ाते हैं। क्या सीखना चाहिए उनसे? बिल्कुल जो वो कर रहे हैं, हमें कुछ उनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। अब देखें ना कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ख़राब हैं, तो हमें बाकी सबसे कम अज़ कम हम नकल भी नहीं कर सकते। हम दूसरों को ये देख लें कि वो क्या कर रहे हैं, हम उसे नकल ही कर लें, हम नकल भी नहीं कर सकते। उनके एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर सुंदर पिचाई आज गूगल का CEO है, उनके एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर आज ट्विटर का CEO, फेसबुक का CEO, उसके बाद हर एक बड़ी बड़ी जितने भी आप अमेरिकन बड़ी बड़ी कंपनीज देखेंगे उनके CEO सारे आपको इंडियंस मिलते हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, आप देखें ना जो हमारे पाकिस्तान में अगर कामयाब हो भी जाता है तो सबसे पहली प्रेफरेंस उसकी ये होती है कि वो पाकिस्तान को छोड़ जाए, पाकिस्तान में वो रहना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पर वो जिंदगियाँ ही उनकी नहीं मिलती, उनको प्रोटोकॉल और उनका जो हक था उनको वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में चले जाते हैं, पाकिस्तान को उसका भी नुकसान है। आप अपना क्या फ्यूचर देख रहे हो, क्या पाकिस्तान में देखते हो या बाहर देखते हो? मैं पाकिस्तान में ही देखता हूँ बाहर। जिस तरह की एजुकेशन इंडिया अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स को, क्या आपको अगर मौका मिलता पढ़ने का वहाँ पर जाकर, जिस तरह से वो जाकर बड़ी बड़ी कंपनीज को CEO लगते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी ओन करते हैं, स्टार्टअप जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किए हैं, क्या आपको मौका मिलता तो आप जाकर पढ़ोगे या उनके एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करोगे उधर जाके? वैसे ख्वाहिश हमारी ये है कि हमारे अपने मुल्क में ही वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारा एजुकेशन सिस्टम मौजूद हो। अपने मुल्क में रहना वो अलग मज़ा है, फॉरेन कंट्रीज में जाकर रहने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर एजुकेशन के बाद पाकिस्तान में रहोगे या बाहर जाओगे? ये हम तब डिसाइड करेंगे। वैसे पहले मैं पहले विजन कहूँ कि वैसे पाकिस्तान में रहना चाहते हैं इंशाल्लाह, लेकिन आपने एजुकेशन के ऊपर लगाए करोड़ों रुपए माँ बाप के हैं, यहाँ पर रहकर 15-20 हज़ार रुपए लोगे तो कभी भी नहीं अफोर्ड करेंगे ना माँ बाप। बिल्कुल, ये अगर इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना तो फिर बाहर जाना ही प्रेफरेंस हमारी फर्स्ट होगी। अच्छा। लेकिन अगर जिस तरीके से हमने अपनी मेहनत की है, अगर हमें उसका सिला मिलता है तो फिर हम पाकिस्तान में ही रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बहुत अच्छा लगा बात करके आप लोगों से, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वेरी नाइस टू टॉक विद यू, थैंक यू यार, बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक जी, आप सुनाएं? ठीक, मैं भी ठीक। नाम आपका? एहसान। क्या करते हैं? प्रॉपर्टी का काम। सर, आपके क्या राय है हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के बारे में, क्या वहाँ पर कोई पीस वाली बातें होती हैं या फिर वहाँ पर हमें जो बताया जाता है हमारे मीडिया के थ्रू कि वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म ही होता है? नहीं, बहुत अच्छे आपने बात की है। सबसे पहले उनकी मीडिया नंबर वन है, हमारी भी, हमारी मीडिया नहीं ठीक। अच्छा, हमारी मीडिया पैसे के पीछे चलती है। उनकी मीडिया, उनकी मीडिया ठीक है, ठीक है, वो अपने मुल्क के लिए बेहतर है। हमारी मीडिया हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं। बिल्कुल सही होगा। इसी बरक्स आपको ना छोटी सी एक वीडियो दिखाना चाहूँगा अभी। क्या इस तरह की चीज़ें हमारी मीडिया दो मुल्कों के दरमियान पीस के लिए काम करती है, ये चीज़ें बताती हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ? राजस्थान के उदयपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक ताजिए में आग लग गई, हालांकि वहाँ मौजूद हिंदू समुदाय के लोगों ने तुरंत उसे बुझा दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें ताजिए का गुम्बद आग की लपटों में गिरता दिखाई दिया। सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच जैसे ही ताजिए में आग लगी, लोग खौफ में आ गए। हालांकि आग लगते ही वहां छतों पर मौजूद लोगों ने उसे देख लिया, जिसके बाद ताजिए पर पानी की बौछार की गई और समय रहते आग को बुझा लिया गया। क्या इस तरह की चीजें हमारी मीडिया शो करता? नहीं, वहां पर ये देखे ना अभी मस्जिद को एक आग लगी। हमारी मीडिया वन साइडेड है, ठीक है ना, वो ये नहीं कि पूरी कौम के लिए बात करें, वो मीडिया नंबर वन होनी चाहिए। मीडिया को चाहिए कि अवाम की आवाज़ सुने,
ये अवाम की आवाज़ नहीं सुनते जी, बिल्कुल ठीक है। लगता है कि अगर मीडिया पीस का काम करती दो मुल्कों के दरमियान आज तक जो या वहाँ पर नेगेटिविटी, सबसे पहले मुझे ये बताएं उधर की मीडिया और पाकिस्तान मीडिया में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क आप बताएं? यही फ़र्क है कि उनकी मीडिया की वजह से वो मुल्क इतना इस्टेब्लिश हो गया उनका, ठीक है। हमारी मीडिया क्या कर रही है? क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, जीरो है हमारी मीडिया, बिल्कुल जीरो काम कर रही है। तो क्या मैसेज देंगे अवाम को कि मीडिया के पीछे जाएं? मैसेज यही है कि ये अवाम के लिए सोचे, अवाम के लिए आवाज उठाए, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्यों कि अवाम और आर्मी एक होनी चाहिए, ठीक है। सबसे मेरा हमारा इम्पोर्टेड कौन सा महकमा है? आर्मी। आर्मी है तो अवाम है, ठीक है। अवाम है तो आर्मी है, ठीक है। अवाम को चाहिए आर्मी के साथ लिंक बनाए, और आर्मी जो उनसी वो इसके साथ अवाम के साथ अटैच है, इनके दरमियान जो भी है उनको एक साइड पे खड़ा करें। बहुत अच्छा लगा सर बात करके दोनों के दरमियान।